आज हम बात करने जा रहे हैं एंटी सोशल जो बच्चों में पड़ रहा है। ये बड़ों में भी हो सकता है, बट बच्चों में आजकल ये एंटी सोशल जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम कैसे रोक सकते हैं? क्या सभी चोर लुटेरों को नहीं पता कि एक दिन पुलिस का एनकाउंटर हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव। मैं प्रेजेंट करता हूं, मेरा चैनल है और ब्रेन आवर लाइफ। आज हम बात करने जा रहे हैं एंटी सोशल जो बच्चों में पड़ रहा है। ये बड़ों में भी हो सकता है, बट बच्चों में आजकल ये एंटी सोशल जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। तो हम कैसे रोक सकते हैं? आज मैं आपको 5 ऐसे छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं जो आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर बच्चों में वो चीज बढ़ रही है तो इमीडिएटली उनको काउंसलर को दिखाइए, उनको सजेशन दिलवाइए और वापस से ठीक कराइए, वरना वो बढ़ जाएगा। तो एंटी सोशल बिहेवियर ना हो बच्चों में, उसके लिए मैं 5 पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूं। आप चेक कर सकते हैं अपने बच्चे में ऐसा कुछ वो बिहेव कर रहा है। तो चलते हैं इस जर्नी पे। और अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा आप जुड़े रहें। आगे चलते हैं। एंटी सोशल बच्चा अगर बन गया है तो बहुत बड़ा रिस्क है, नहीं बना है तो उसको कैसे रोक सकते हैं, ये 5 पॉइंट आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। पहला पॉइंट, मिसअंडरस्टूड द सोशल इंटरेक्शन। वो सोशली जब कभी बात करता है किसी से तो उस बातों को ना मिसअंडरस्टूड करता है। कैसे? जैसे किसी ने उसको बोला, आज तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। आपने ही बोला, मालूम मां ने बोला, बाप ने बोला, या किसी रिलेटिव ने या बाहर के फ्रेंड्स ने बोला, क्यों? मैं रोज सुंदर नहीं लगता था, मैं रोज झंडू लगता था। हाँ, उसको तो बोला है आज स्पेसिफिकली। हो सकता है ड्रेस अच्छी हो उस दिन, हो सकता है उसने उस दिन कुछ मेकअप अच्छा किया हो, एनीथिंग। या हो सकता है उसको प्लीज करना चाह रहा हो कोई, ऐसे एज ए फ्रेंड खुश करना चाह रहा हो, पर उसने उल्टा उसको ब्लेम करना शुरू कर दिया। क्यों, तुम्हें क्या लगता कल तक मैं ऐसा था? अगर आज उसने कोई क्वेश्चन सॉल्व आउट कर दिया, आपने बोला भाई तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो, क्यों, कल तक मैं बुद्धू था? वो एप्रिशिएशन को सोशली समझे बिना रिएक्ट कर रहा है। अगर वो रिएक्शन है तो एंटी सोशल का पाथ शुरू हो गया है। आपको इमीडिएटली उसको देखना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और उस पर एक्ट करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फोकस ऑन वर्ड्स, शब्दों पर ध्यान देना। यह बहुत बड़ी समस्या है एंटी सोशल की तरफ जाने में बच्चों। इसी वजह से एग्रेशन बढ़ रहा है, इसी वजह से वो फाइट कर रहे हैं, इसी वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं पेरेंट्स के साथ, जिसको वो जनरेशन गैप बोल रहे हैं। तो सेकंड क्या है? फोकस ऑन वर्ड्स, वो जो शब्द हैं वो सिर्फ उन पे ही फोकस करता है। बिटवीन द लाइन कभी देखने की कोशिश ही नहीं करता। जैसे किसी ने बोला, अबे तू तो बेवकूफ है, तुमने मुझे बेवकूफ बोला कैसे? और कभी कभी तो पेरेंट भी कूद जाते हैं, हाँ हाँ तुमने हमारे बच्चे को बेवकूफ बोला कैसे? हो सकता है उसने प्यार में बोला, हो सकता है वो कुछ चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हो उसको। पहले तो गांव में लोग कुछ भी बोल देते थे, बुरा नहीं मानते थे लोग, क्योंकि बिटवीन द लाइन समझते थे। वो समझते थे हर्ट से कुछ नहीं बोल रहा, ये सिर्फ मजाक में या लाइक पुलिंग के लिए वैसे बोल रहा। लेकिन आजकल क्या है, बच्चे बिटवीन द लाइन समझना बंद कर। और अगर आपका बच्चा बिटवीन द लाइन समझना बंद कर गया है, सिर्फ वर्ड्स पे ध्यान दे रहा है, तो वो एंटी सोशल की तरफ जाएगा, उसका एग्रेशन बढ़ जाएगा और वो रिएक्ट करेगा हर चीज पे। वो आपको रिटेलिएट करेगा, आपके साथ रिलेशनशिप को खराब करेगा और आपको लगेगा ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी मेरे जाने को। चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, नो गिल्ट इन बिहेवियर। एक जमाने की बात है, थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे, आप लोग भी देखते होंगे जब कभी आप बच्चे रहे होंगे, अगर आपके पेरेंट्स थोड़े से उदास बैठ जाते थे, तो रोना तो बहुत बड़ी बात है, उदास बैठ जाते थे तो आप अपने आप ही उदास हो जाते थे। आपको लगता था क्या हो गया, घर में मनाने लगते थे, अच्छा मैं तुम्हारा ये काम कर दूं, प्लीज करने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर बच्चे में आज कोई गिल्ट खत्म हो गया है, उसको गिल्ट ही नहीं है, अगर उसकी वजह से उसकी मदर परेशान और वो बिल्कुल इग्नोरेंस मोड में, ठीक है, और या फादर परेशान है,
क्राई कर रही है मदर तो बहुत बड़ी बात है, या फादर क्राई कर रहे हैं एंड ही इज जस्ट इग्नोरिंग और शी इज जस्ट इग्नोरिंग, तो समझ लीजिए वो एंटी सोशल के पाथ पे जा रहा है। एंटी सोशल होने के बाद तो बहुत सारे रिएक्शन हो ही जाएंगे, लेकिन अभी जो शुरुआत हो गई है आप उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आगे चलते हैं अगले फोर्थ पॉइंट पे। दे ब्लेम ऑन अदर्स, वो लोगों पे ब्लेम करते हैं, उनके ब्लेम को मत सुनिए। कैसे? वो क्या करेगा, ड्रग्स ले लिया उसने, अरे वो तो मेरे दोस्त ने जबरदस्ती कहा एक बार ट्राई कर लो, मैंने कर लिया, मैं तो बहुत अच्छा हूं। आप कई बार क्या है, वात्सल्य प्रेम जिसे कहते हैं ना बच्चों का मोह, अरे नहीं ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, तू तो अच्छा है, मेरा बच्चा तो अच्छा है, इसके दोस्त खराब है, उससे बाहर आइए, उस पर काम कीजिए। आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे ने आपको गलत डायरेक्शन में मोड़ना शुरू कर दिया है, वो ब्लेम ले रहा है, थोड़े धीरे धीरे वो एंटी सोशल हो जाएगा। अगर उसने ड्रग्स लिया है, अगर उसने किसी के साथ बैठा है तो भी इग्नोर करेगा। कई बार ये चीजें आप घर में भी महसूस करेंगे। मान लो आप घर में तीन लोग हैं, दो आपस में बात कर रहे हैं, वो उन तीसरा बच्चा आ गया वहां पे, वो किसी एक के साथ अटैच हो जाएगा तो दूसरा आदमी खाली हो गया, वो उससे बातें नहीं करेगा, दूसरे को बोलने नहीं देगा, वो चुपचाप बैठा रहेगा, 10 मिनट बैठेगा, 15 मिनट, फिर वो उठ के चला जाएगा। फिर वो जो आदमी जिससे वो बात कर रहा है, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, बोले ये देखो इनको तो अकेले बैठना है, इनको हमारे साथ बात ही नहीं करनी, इनको तो हमारी जरूरत ही नहीं है। दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी स्टार्ट इन हाउस, घर की बता दी है, बाहर की मैंने आपको बता दी है, एडिक्शन शुरू हो जाएगा। मोबाइल का एडिक्शन हो सकता है, वेब सीरीज का एडिक्शन हो सकता है, पोर्न एडिक्शन हो सकता है, और ड्रग्स का एडिक्शन हो सकता है। तो आपको इमीजिएटली जब वो ब्लेम करने लगे, इमीजिएटली एक्शन लेने की जरूरत है, इमीजिएटली, और आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, रिस्की बिहेवियर। अगर आपके बच्चे में रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है, रिस्क छोटा छोटा हो सकता है, आपने बोला बेटा स्विमिंग सिखाते हैं आपको, पहले आप 4 फीट के स्विमिंग पूल में कूदिए, आप धीरे धीरे स्विमिंग सीख जाएंगे, सडनली वो थोड़ी देर में 6 फीट के कूद गया, मुझे लगा मेरे को आ गई है, हमें क्या लगेगा कि बच्चा शायद बचपने में ऐसी गलती कर गया। नहीं, बचपने में भी हमारा माइंड इतना स्ट्रांग होता है, वो हमें बताता है इसमें रिस्क है। रिस्क पे हम जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है उसको इग्नोर करने लगते हैं, तो हम एंटी सोशल के पाथ पे चले जाते हैं। अब आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो सभी बच्चों में मिलता है सर, आप तो ऐसे ही उठ रहे हैं, तो क्या सभी चोर लुटेरों को नहीं पता कि एक दिन पुलिस का इनकाउंटर हो जाएगा? सबको मालूम है अंदर से, बहुत ही रेयर केस है कि तुम लाइफ जी पाओगे पूरी, फिर भी वो चोरी करते हैं, फिर भी वो लूटते हैं, फिर भी वो मारते हैं। क्या टेररिस्ट को नहीं पता कि वो जहां जा रहे हैं वहां की पुलिस भी गोली चलाएगी? तो ये मालूम होता है फिर भी हम रिस्क लेते हैं, कोई भी रिस्क ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको रिवर का एग्जाम्पल दिया, वो रिस्क हो सकता है, स्कूल बंक करने का रिस्क हो सकता है, पढ़ाई ना करने का रिस्क हो सकता है, मुझे नहीं करनी पढ़ाई, मेरा काम ऐसे ही चल जाएगा, ये रिस्क ले रहा है। जब वो बड़ा हो जाएगा फिर आप ही को ब्लेम करेगा कि आपने मुझे पढ़ने नहीं दिया, वरना आज तो बस सारे डॉक्टर बाबा और डॉक्टर अब्दुल कलाम नहीं होता। तो अगर वो रिस्क ले रहा है अपनी कैपेबिलिटी से, बिकॉज आप बड़े हैं आपको मालूम है इसकी कैपेबिलिटी है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है, फिर उसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करें, वो बाहर आ जाएगा। मुझे लगा ये सारे पॉइंट्स अगर आप पूरे यूज करेंगे डेफिनेटली बच्चों के एंटी सोशल बिहेवियर को क्लोज कर देंगे, उनको वहां से बाहर ले। फिर इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, प्लीज आस्क करिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल ट्राई टू गिव द आंसर। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप का बटन दबाइए और इसको शेयर करना मत भूलिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।